क्लासिक में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसको क्लासिक में कन्वर्ट करने वाला। सारा ताम तवेड़ा इसका खोल रखा है, वाइट डैम्पिंग हो चुका है इसके डोर। ओके गाइस, एक हफ्ते की मेहनत के बाद हमारी स्कॉर्पियो S5 जो है क्लासिक में कन्वर्ट। क्या बात है भाई, ये लगती है तो गाड़ी के इंटीरियर में। बताएंगे इसके पिलर वगैरह सबके बारे में। बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ चामुंडा भाई हैं, बड़े स्मार्ट से बन के आ रखे हैं। क्या बात है आज, क्या स्मार्ट भी नहीं बन सकते? नहीं, स्मार्ट तो बन सकते, पर आज कुछ ज्यादा ही लाली सी आ रही है मुंह पे। अच्छा, अच्छा मंदिर गए थे आज, ठीक है भाई। तो इधर आप लोग देख सकते हो हमारे में 6 ऑटो पर, और हमारे सामने स्कॉर्पियो S5 और 2019 मॉडल S5 है, ठीक है। और इस गाड़ी के अंदर कुछ गाड़ी हम भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते, जैसे बहुत प्यार दिया S5 ने हमें। बिल्कुल भाई, बहुत प्यार दिया। अभी तो ये देख सकते हो S5, और अब की है पोजीशन देख लो, पूरी एक बिफोर लुक आप देखो इस गाड़ी का। हां, ये कुछ भी नहीं हुआ, 3 साल हो गए इस गाड़ी में, अभी तो कोई काम नहीं हुआ। क्या बात, अभी तक स्टीरियो भी नहीं लगाया बंदे ने। कुछ भी नहीं, भाई का कहना था जब भी करवाऊंगा जोटो से करवाऊंगा। ओ भाई साहब, स्टीरियो तक नहीं है गाड़ी के अंदर, तो भाई ऐसी गाड़ी का क्या फायदा है स्टीरियो के अंदर। इस गाड़ी का हम क्लासिक में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसको क्लासिक में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है। अभी आप लोग देख लो, पूरी गाड़ी अभी जस्ट हमारे सामने आके खड़ी हुई है। ना फॉग लाइट लगाने, ग्रिल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम इसको S5 टू S11 कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्लासिक S11 में कन्वर्ट करने वाले हैं। S11 में करेंगे, और विल बी प्रो मैक्स सीरीज में। इसकी इंटीरियर अल्ट्रा प्रो, अल्ट्रा प्रो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। तो अभी गाड़ी का एक बार इंटीरियर देख लो, बिफोर सारा बिफोर आप लोग देख सकते हो भाई। इस टाइम पर पूरा बिफोर हुआ पड़ा है, बेकार कंडीशन में गाड़ी, सीटें तक इसके अंदर सीट कवर तक नहीं डले आज तक, कुछ भी नहीं है, बस कराने ही ऑटो से था। चलो, तो फिर नहीं लग रहा था। अब देखते हैं क्या जादू होता है इस गाड़ी के ऊपर। तो जादू ही जादू। कितने दिन के लिए आई है गाड़ी? एक हफ्ता लगेगा तैयार होने में। चलो गाइस, एक हफ्ते बाद आपको दिखाएंगे जादू। तो मिलते हैं आपसे जब गाड़ी पूरी खुल जाती है, तब हमारी जो खुलनी स्टार्ट हो गई है। आज आइए शाम को गाड़ी। हाँ, कल बाकी काम कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट होगा। पूरे सीटों पे खुलने के लिए जाएगी, और पूरा फिलर पूरा पूरा फिलर पूरा इंक्लूड हो जाएगी। इसमें क्लासिक वाले अलाउ लगेंगे, पूरी क्लासिक में कन्वर्ट होगी, बढ़िया मजा आ जाएगा। क्लासिक में कन्वर्ट होगी, पहले आज तक भाई साहब ने काम नहीं करा जाएगा। भाई साहब अजन भाई कह रहे, क्या हाल है भाई आपके? कहाँ से आए भाई? नोएडा से। अच्छा, नोएडा से आओ। तो गाड़ी आप बिना स्टीरियो के चला रहे हो इतने साल से? है 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अब कुछ काम ऐसा हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, रियल एस्टेट का, तो टाइम बिना काम गाड़ी छोड़नी पड़ेगी 3-4 घंटे। हाँ, तो टाइम भी नहीं मिला थोड़ा सा। फिर ये था कि चलो किसी दिन आएंगे तो बढ़िया ही काम। तो गाइस, आज इस गाड़ी का तीसरा दिन है हमारा। तो आज तीसरे दिन के अंदर आप लोग देख सकते हो गाड़ी पूरी खुल चुकी है, अंदर बाहर सब कुछ पूरा सारा ताम तवेड़ा इसका खोल रखा है। वाइट डैम्पिंग हो चुका है इसके डोर में। अच्छा, वाइट डैम्पिंग हुई है, पूरी जेड ब्लैक हो चुकी है। हाँ, चलो आप लोग देख सकते हो रूफ वगैरह सब ब्लैक हो गई है। तो इसका दो ड्यूअल कॉम्बिनेशन के अंदर इसका इंटीरियर बनने वाला है, और बहुत बढ़िया इंटीरियर हमारा बनने वाला है, मजा आ जाएगा आप लोग को देख के, अलग ही गाड़ी बनने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी। बाकी फिलहाल ये गाड़ी जो है हमारी डेंट पेंट के लिए गई थी, तो इसमें जो जहाँ जहाँ जो जो पार्ट्स हमारे खराब थे सिर्फ वही रीपेंट करवाए गए, ठीक है। अच्छा, बम्पर पेंट हुआ इसके दो, और बाकी गाड़ी तो ठीक ही थी कंडीशन में। पीछे का स्क्रैच तक पेंट करवा दिया, बाकी हमारा क्लासिक वाला बम्पर इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है, क्लासिक वाली बम्पर लग चुका है इसके अंदर। बाकी जो इंटीरियर ऑर्डर में दिखा देता हूँ, इंटीरियर का सामान दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये देख सकते हो आप, इसके अंदर टैन कलर के सीट कवर्स लग रहे हैं, पूरा टैन इंटीरियर हो रहा है, बहुत मतलब एक अलग ही लेवल से गाड़ी तैयार हो रही है। देख सकते हो भाई वर्कशॉप हमारी, और यहाँ पे आप लोग डोर पैनल हमारे देख सकते हो। बस क्या बात है यार, जब पूरी तैयार हो, BMW वाला इंटीरियर हो रहा है इसके अंदर। मतलब इस ये कलर हम पेंट वर्क के अंदर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना भाई। क्या तो भाई कलर लग रहा है यार, जब पूरी तैयार होकर निकलेगा फिर देखना क्या सीन होता है, मजा आ जाएगा, मतलब अलग ही लेवल की गाड़ी तैयार होने वाली है। तो भाई इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो दिखाते हैं आप जैसे मिलते हैं। अब दो दिन और, हाँ दो दिन और, दो दिन बाद आप लोग देखोगे झटका ये क्या हो गया, एक अलग ही लेवल निकल गया, ठीक है। आप उसको मिलते हैं दो दिन बाद। ओके गाइस, एक हफ्ते की मेहनत के बाद हमारी स्कॉर्पियो S5 जो है क्लासिक में कन्वर्ट हो चुकी है, क्लासिक S11 में पूरी हमने कन्वर्ट करी है। अच्छा, 9 दिन में मतलब ये गाड़ी हमारी फाइनल हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको फ्रंट से दिखाया तो कितना प्रीमियम लुक आ रहा है इस गाड़ी के अंदर, आगे से आप लोग देखो क्लासिक जो है भाई अलग ही लेवल की मस्कुलर गाड़ी लगती है, और इसका लुक बहुत बढ़िया है अपनी जगह, हैवी दिखती है। इधर इधर हमने इसके अंदर DRLs इंस्टॉल करे हैं, उसके अंदर फॉग लाइट महिंद्रा जेन्युइन लगाई है, महिंद्रा जेन्युइन ग्रिल है, टोटली देखा जाए तो S5 है।
ये सिर्फ हेडलाइट S5 की रहने वाला, बाकी सारा का सारा इसमें S11 की रहने वाला। ठीक है, मैं इसमें कैप लगाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा मतलब बम्पर वम्पर सब हमने ब्रांड न्यूज के अंदर इंस्टॉलेशन करा है। ये देख सकते हो अलॉय व्हील हमने S11 के अंदर इंस्टॉल कर दिए। साइड मिरर, साइड के फुटरेस्ट हो गया। ये ग्लाइडिंग हमने चेंज नहीं किया। ग्लाइडिंग भी चेंज हो सकती है अगर करवाना चाहो तो। अंदर का एयरबैग का बटरफ्लाई वाला लोगो भी चेंज हो सकता है, सब मैं दिखाऊंगा, वो हो सकता है। डोर वाइजर ले लो, रूफ रेल पहले का लगा, रूफ रेल पहले का लगा, पहले काम और कर रही हूं। हां, अगर बैक साइड से ले तो इसके अंदर तो हमारा पिलर लाइट हो गया, डमी वाइपर, बटरफ्लाई लोगो, क्लासिक S11, पीछे सेफ्टी गार्ड पे दिला के दिखा रहा। अरे क्लासिक S11 का लोगो भी हम इंस्टॉल करने लगे, क्या बात है। तो ये देखो भाई पिलर लाइट, एक तो पिलर लाइट लगते गाड़ी के लुक में चार चांद लग जाते हैं, क्या बात है यार, है कुछ बढ़िया चीज है भाई। और एक गाड़ी जो है ना, देख के कोई कह ही नहीं सकता कि भाई ये क्लासिक नहीं है, लुक बहुत जबरदस्त लुक है गाड़ी का। साइड से पहचानने वाला, हाँ ठीक है। अब आपको हम लोग अंदर लेके चलेंगे, मेन धमाका अंदर जो काम हुआ भाई वो हुआ आर एम पार वाला काम, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ये देखो भाई क्या बात है यार, मतलब टैन और ब्लैक की कॉम्बिनेशन, क्या तो लुक आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। इस टाइप का इंटीरियर आपको फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा, टैन कलर में पेंटेड इंटीरियर हमने फर्स्ट टाइम करा। फर्स्ट टाइम ऐसे मेरा वो कई वीडियो बन चुका है जिसमें हम रेड कलर भी कर रखे हैं, वाइन कलर कर रखे हैं, कॉफी कलर कर रखे हैं, बट ये टैन कलर में फर्स्ट टाइम दिखे। ठीक है, तो ये टैन आप लोग देख सकते हो भाई, कितना लग्जरी लुक दे रहा है भाई गाड़ी को। तो मैं सीट कवर वगैरह सब आपको दिखाऊं, तो ये देख सकते हो भाई कितने प्रीमियम और प्रोफेशनल फिटिंग के साथ सीट कवर लगा है। फिनिशिंग देख सकते हो, देखो थाई सपोर्ट का मतलब होता है फिनिशिंग, यानी कि थाई सपोर्ट हमने बोल दिया इसको, हम कह सकते हैं हमारी महाराजा सीट। थाई सपोर्ट सिर्फ बोलना नहीं होता, मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखो इसकी फिनिशिंग, ये बैक सपोर्ट है आपका, ये बैक सपोर्ट हो गया, ये नेक रेस्ट की सपोर्ट होता है, नेक सपोर्ट होता है हमारा, यहाँ की गर्दन की सपोर्ट के लिए होता है, ये हमारा थाई सपोर्ट हो गया। और इसकी फिनिशिंग देखो, कट टू कट कहीं से रिंकल से नहीं दिखेगा, पूरी सपोर्टेड वाली है, कुछ ये नहीं है कि हमने थाई सपोर्ट बोल नहीं दिया, थोड़ा सा यहाँ पे हमने कान जोड़ दिया और थाई सपोर्ट बोलना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता। करने के लिए बाजार में बहुत बंदे बैठा हुआ कि भैया थाई सपोर्ट दे रहा हूँ, थाई सपोर्ट दे रहा हूँ, थाई सपोर्ट का मतलब प्रॉपर थाई सपोर्ट होना चाहिए, ये नहीं किसी फुला के रखो। और लाइफ टाइम गारंटी देने वाला भी बंदे बहुत है, आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा आपको। अब बाजार में बहुत दुकान खोल के बैठा हुआ, लाइफ टाइम में हमारी अपनी फैक्ट्री है, बस मिलेगा नहीं आने वाला टाइम में आपको वारंटी नहीं मिलेगी, पहचानने से मना कर देंगे। कोई भी चीज की लाइफ टाइम वारंटी नहीं होता, एक साल दो साल चार साल की इंसान की लाइफ टाइम वारंटी नहीं है, तो तुम लाइफ टाइम वारंटी बोल करके बेचा जाता है, लाइफ टाइम वारंटी किसी चीज का नहीं होता है। हाँ, ये है कि कटता फटता नहीं है, कभी धागा ही खुल गया, कभी कुछ हो गया, होता रहता है, कई बार पापड़ी बन जाए, ये नहीं होता कि लाइफ टाइम वारंटी कुछ होगा ही नहीं। कई बार हमारी लॉट खराब आ जाए, उसमें भी हो सकता है वारंटी, खराब होने का नहीं होता बट कई बार हो सकता है। ठीक है, हर चीजों के लिए आप लोग तैयार हो, बाकी मैं आपको क्लियर रूम में दिखाऊं, देखो उसके सारे पार्ट्स अपना हाइड्रो डिपेंड करें, और यहां तक ही नहीं है, मैं बैक साइड पे भी दिखाता हूं, सीट कवर बैक साइड में वगैरह सीट कवर देख सकते हो, बैक साइड में भी कान ये देख सकते हो, बैक साइड में भी दिखेगा आपको, ये देखो। और इसकी फिटिंग ये नहीं है कि सिर्फ आगे अच्छी फिटिंग, आगे पीछे में जैसे मर्जी, पूरी सीट पे सब जगह बढ़िया फिटिंग हुई है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सारे पार्ट्स हमने हाइड्रो डिप करे हैं, इसके ऊपर वाला भी हाइड्रो डिपिंग करके हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है भाई, और बहुत एक प्रोफेशनल लुक इस गाड़ी के अंदर आ रहा है भाई, मजा आ जाएगा आपको देखकर। ये सारा हमने क्लासिक S11 वाला है, उसमें भी नहीं आता, हमने इसमें करके दे दिया। ठीक है, तो ये स्क्रीन वाला कंसोल पार्ट हो गया, रियर एसी वेंट तक हमने इसके अंदर ये करा, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, और जितने भी मतलब छोटी छोटी चीजें सारी बारीकियों को ध्यान रखें, बिल्कुल सनसेट तक हुआ इसमें, ये आपको ब्लैक मिलने वाला है, क्या बात है, 150 वाट की एलईडी भी हमारी ब्लैक है। लॉक इधर देख लो, लॉक हैंडल वगैरह जितने हैंडल हाइड्रो डिप मिलेगा इधर, ये देख सकते हो इधर ये हैंडल हो गए, जितने छोटी छोटी बटन हो गया है सारी ब्लैक मिलेगा आपको, मतलब कॉम्प्रोमाइज किसी चीज में किया नहीं गया, पूरा ध्यान रखें। डैशबोर्ड में हमारा बिल्कुल नापा की लेदर लगाया गया जो कि सॉफ्ट है बिल्कुल, और सोनू भाई देखो जोश आ गया बिल्कुल, ऐसे होली खेल गया, सोनू भाई होली खेल गया, छोटी होली के दिन वीडियो बना रहे हैं आज, छोटी होली के दिन में वीडियो जल्दी आनी चाहिए, बिल्कुल भाई ये होली के बाद बिल्कुल अपलोड हो जाएगी, तो डाल दे होली से अगले दिन डाल दे वीडियो। ठीक है, तो ये आप लोग इंटीरियर पूरा चेकआउट कर सकते हैं, सारे पीस जितने हमारे सब इसके अंदर पेंट हुए हैं, ये पेंट भी ऐसा नहीं है कि उखड़ जाएगा, इसकी भी बढ़िया गारंटी के साथ है, गारंटी के साथ काम कुछ भी ऐसा पेंट नहीं होता, ये गाड़ी वाला पेंट नहीं है, जो लोग सोचे गाड़ी वाला भार वाला फौरा पेंट होता है, दो पेंट होता है, डबल प्राइमर लगता है उसके बाद ये पेंट होता है, प्लास्टिक पेंट कहा जाता है इसको, जो प्लास्टिक में पेंट होता है, प्लास्टिक दो दो दिन के लिए आपको बोल करके बुला करके कोई भी नॉर्मल पेंट स्प्रे पेंट जा करके किसी भी उसे करवा दिया, ऐसा नहीं है, प्रॉपर पेंट है। ठीक है, वो प्रॉपर पेंट है, और शेयरिंग की फिनिशिंग देख सकते हो, आज बटरफ्लाई लोगों हमने नहीं लगाया, इसके लिए पूरा एयरबैग चेंज करना पड़ता है, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी और ऊपर चली जाती है, तो कंपोनेंट देने वाला, इसकी फिटिंग देख सकते हो कितनी प्यारा है, क्या बात है, सिस्टम लेवल अलग आ रहा है यार इसके अंदर, पूरी अपनी एम्बिएंट लाइटिंग लगी है,
10 पीस वाली और स्टार लाइट की तो मजा ही बांध दिया। स्टार लाइट दिखाते हैं, स्टार लाइट तो मजा ही बांध दिया। क्या बात है भाई, ये लगती तो गाड़ी के इंटीरियर में बताएंगे इसके पिलर वगैरह सबके बारे में। तो ये लगती तो चार चांद लग जाते हैं, बिल्कुल चांदनी तारे लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने भी पिलर हैं सुनो भाई, हमारे सारे लेदर में रैप हुए हैं, पूरे लेदर में रैप हुए, डबल सिलाई हुई है, आगे इंटर पास में है पूरा, ये देख लो ये देखो डिजाइनिंग दी हुई है। तो मैं आपको इधर से दिखाऊं, देख सकते हो भाई डिजाइनिंग आप लोग, इसके अंदर तीन स्टिचिंग वाला लुक हमने इसके अंदर दिया है और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गाड़ी का काम हुआ है, तो देख के आप लोग को मजा जरूर आ गया होगा। मजा ना आया तो पैसे वापस कहते हैं से। बिल्कुल बिल्कुल, तो मजा आना ही आना प्रॉपर। तो काफी दिन की मेहनत के बाद ये गाड़ी आज हमारी तैयार हुई है, बहुत दिनों की बड़ी दिनों की मेहनत है, मतलब मेहनत क्या 10-15 दिन लगते हैं जब गाड़ी में तैयार होने में लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस गाड़ी वालों से, बस यही कहूँगा जिसको भी ऐसी गाड़ी दे रहे हैं 15-20 दिन का टाइम, 10-15 दिन का टाइम देके चलो। जो भी पैसा अब हमने सोचा 9 से 10 की वाली गाड़ी वो भी तैयार करना शुरू करें, 10 से 11 पुरानी वाली, उनको भी न्यू में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं, 11 या क्लासिक बनाने के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए भी हम काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिस भाई को होना तो पहले बुकिंग ले ले, मगर थोड़ा टाइम लेके दे, 10-15 दिन का, 15 दिन तो कम से कम चाहिए चाहिए, क्योंकि पेंट का एक हफ्ता लग जाता है। बिल्कुल, पूरी गाड़ी खुलती है, पूरी गाड़ी खुलती है, एक पीस खुलता है बाहर से, मेरा फिटिंग से हेडलाइट सब खुलती है, पीछे के पिलर विलर ऊपर सारे एक एक पीस खोल के करते हैं पेंट, ये नहीं इनको लग के पेंट करते, जो किनारे से अपना पेंट उखड़ रहा है, कभी पैसेज आ रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं करते, जो भी काम होता है वो जेनुइन होता है। पेंट भी हम ऐसा करते हैं कि बंदे के 10-12 साल तक कहीं ना जाए, बिल्कुल शेड ना पड़े, कलर को एकदम बिल्कुल प्राइमर मार के पूरी पहले पट्टी भरते हैं, फिर उसका प्राइमर मारते हैं, फिर उसका घिसाई करते हैं, फिर उसका एक नॉर्मल प्राइमर, फिर उसमें मारते हैं, फिर उसके बाद पेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम होता है। बाकी एक और खास चीज़ इस गाड़ी के अंदर हम इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं, एक बार चलते हैं। तो भाई अभी दिखाते हैं आप लोग को एक बहुत स्पेशल चीज़, जो कि हमने इस स्कॉर्पियो S5 क्लासिक S11 के अंदर हमने इंस्टॉल करी, इतना लंबा नाम है भाई इसका, ये हमने रखा है। तो स्कॉर्पियो क्लासिक नहीं, स्कॉर्पियो S5 2019 क्लासिक 2022। तो अंदर से दिखाते हैं आपको, 3-2। क्या बात है, अरे भाई साहब ये क्या बना दिया तुमने, इसको बच्चों के लेटने के लिए छोटी सी, मेरे को तो लगा पता नहीं कहीं घूमने उमने जाओ तो यहाँ बैठे, घूमने के लिए भी है ना स्पेस के अंदर, देखो अभी हमने फोल्ड कर दिया। फिर गाड़ी के शीशे हेड ब्लैक मांगते हैं, ये हो गया आपका, आप कहीं घूमने जाओ आपको होटल बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं सो जाओ। सितारे देखते हुए आराम से सो के जा सकते हैं। क्या बात है यार, ये दो आदमी की बेड हो गया, दो आदमी का तकिया डाल लो, उधर तकिया डाल लो, हस्बैंड वाइफ बंदा बंदी सब मजे लेते हुए यहाँ से जा सकते हैं बढ़िया करके, है आरामदायक। क्या बात है, तुमने तो DC वाला डिजाइन बना दिया इसे, DC तुम CD रख दो अपना नाम, चामुंडा डिजाइन CD। अच्छी बात बताया भाई, अभी नाम रहे चामुंडा डिजाइन, DC ये CD हो गया, उल्टा कर दिया हमने, DC CD CD है चामुंडा डिजाइनर। तो भाई गाड़ी अलग ही लेवल बन गई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके घर के बैठ के सिराने होते हैं ना डिजाइन, वैसा डिजाइन भी बना के दे दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पे आप लोग बैठ के भी जा सकते हो आराम से, हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, हाँ बच्चे मजे ले सकते हैं इसमें, बच्चे के लिए बिल्कुल बढ़िया। और बाकी इसके अंदर करने के बाद बड़ों के लिए भी, अगर हम इधर एक तकिया लगा दिए तो इधर भी आराम से लेट सकते हैं। क्या बात है भाई, मैं ये चीज ना महिंद्रा भी देखेगा ना, कह रहा है भाई साहब ये तो होनी चाहिए स्कॉर्पियो में, और कोई नॉर्मली फोम नहीं है, पूरी आइडेंटिटी के डबल लेयर फोम है, बढ़िया। आप लोग यहाँ खाना वाना भी खा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, बढ़िया काम की चीज बनाई है कुछ, हर बात में पार्टी क्यों आ जाता है, तो पार्टी तो यार पार्टी यार गाड़ी बनाई पार्टी के लिए, तो हर चीज़ में पार्टी लेकर आया था भाई। ठीक है तो ये था भाई, एक तो भाई हमारा बेड, इसके अंदर हमने शॉकर्स भी लगाए हैं, तो देख लो ये ऐसे होल्ड हो जाएगा, इसके अंदर आप सामान रख लो, कुछ भी रख लो बढ़िया तरीके से, यहाँ पे आप सामान कैरी कर सकते हो, ये संदूक बन चुकी है, संदूक बन गई है, संदूक बन चुकी है, इसके अंदर सामान जूते वूते नहीं रखने के लिए, इसमें पैसा वैसा डॉलर CBI की रेट पड़ जाएगी, पैसे वैसे मत रखना भाई, सबसे बड़ी बात है कलर कितना अच्छा बना उसके साथ।